कहाँ से लाए? ट्रेंट रोड रेलवे स्टेशन के बाहर से। ट्रेंट रोड व्यवस्था, लेकिन कभी थोड़ा थोड़ा होश आता है। कुछ नाम वाम बताए? कोशिश करो। Dead and burnt. Do you not find something wrong with this? He's dead and burnt. No. Here we are. Mr. Gunn, this is an article that I took great pains to write about the president of South Africa. My heading was, he's dead and buried. And what is written here? He is dead and burnt. As a Christian, this is the equivalent of going to hell. You assured me that you would personally do the proofreading. All these sundry people you have gathered here from everywhere, they have no respect for the details, even for a dead man. I'm sorry, Henry. Really sure clarification. You know, as a Hindu, I can understand. The people at the press believe that all dead normally find emancipation by burning. Then come to think of it, when you are dead, you are simply dead. It's only when you are alive that you make all the difference to the world. In life, life counts. Mr. Gandhi, please. Don't condone a serious lapse with religious abstraction. In the future, I think I will sit right by the printing machine and check all my own articles. Henry, maybe you can also join us in turning the wheel. Yes. Can you please finish this today? I'll do my best, Mrs. Gandhi. Thank you. Kastoor! आप प्रेस में करते क्या हैं? होली खेलते? होली? नहीं भाई नहीं. काली स्याही है, ग्रीस है, मेहनत है और गर्मी है. और हाँ, एक चिट्ठी है राजकोट से. हरी की? कैसा है वो? मजे में, मजे कर रहा है. गलती हो गई कस्तूर, उसे राजकोट में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था. मैं तो पहले ही कह रही थी, पर आप ही चाहते थे कि वो वहां रहकर अपनी मातृभाषा में पढ़े. अब वो तो यहाँ मुमकिन नहीं है ना. शिक्षा के लिए स्कूल जाने की क्या जरूरत है, वो तो यहाँ फिनिक्स बस्ती में भी पाई जा सकती है. ये लो, आके आपके सत्याग्रही. मणिलाल, रामदास, देवदास, ये तीनों हैं ना आपकी शिक्षा के आदर्श नमूने. तीनों या तो खेतों में काम करते रहते, या फिर गायों की देखभाल करते, या आटा गूंथते रहते, या बीमारों की सेवा करते हैं,
और अगर समय बचा तो फिर भजन गाते रहते, क्या होगा हमारे बच्चों का? हर एक बात पे चिंता चिंता और चिंता। जैसे दूसरों के बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे हमारे बच्चों को भी जाना चाहिए। कड़ी मेहनत, आत्मसंयम, करुणा, निस्वार्थ सेवा, ये वो मूल्य हैं जो किसी स्कूल में नहीं मिलते। स्कूली शिक्षा किताबी ज्ञान देती है, चरित्र का निर्माण नहीं करती। मैं जानती हूँ, पहले भी बहुत बार सुन चुकी। See you later at the prayer meeting, Mr. Gandhi. अरे हाँ, हरिलाल शादी कर रहा है। अच्छा? सिर्फ सूचना भेजी है उसने, आज्ञा नहीं मांगी। समझदार है, मुझे पता है आप तो मना ही करते ना। शादी? इतनी कम उम्र में? ऐसी भी क्या जल्दी है? क्यों? हमारी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी, तब तो आपको बड़ी जल्दी थी। अब तक पछता रहा हूँ। क्या? नहीं नहीं, हमारे माता पिता की भूल थी, उन्हें हमारी छोटी उम्र का ख्याल रखना चाहिए था। सुनिए, अब आप ही ने चुना था गुलाब को हरे के लिए, आप ही ने सगाई करवाई थी 4 साल पहले उनकी, कब तक इंतजार करेंगे वो? कस्तूर, तुम मेरी राय इस बारे में अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी अगर मेरी मर्जी के खिलाफ वो शादी करता है तो भले कर। लेकिन एक बाप के नाते मुझे हरिलाल से रिश्ता तोड़ना होगा। वक्षस्थले कौस्तुभं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम्। Smile, huh? You learning, huh? Smile, smile! Bapu ne aapko tyaga nahi hai. Sirf nirash hai. Naraaz hai aapse. समझ में नहीं आ रहा है गुलाब, मैं पढ़ना चाहता हूँ, उन्हीं की तरह बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों
से ज्यादा उन्हीं से डर भी लगता है। आप उनकी अच्छाइयों को देखिए, उनके बोले पर मत जाइए। एक बार जब वो आपकी लगन को और मेहनत को देख लेंगे तो पुराना सारा कुछ भूल जाएंगे, फिर ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखेगा। गुलाब, हमारे पहले बच्चे के जन्म के वक्त मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत वक्त है, कम से कम 5 महीने। रुक जाऊं तब तक? ना, बापू को आपकी जरूरत है। हमें हमेशा अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए, दूरियां खुद ब खुद मिट जाएगी। जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका बुला लूंगा। आप इस बात का बोझ लेकर मत जाइए, मन लगाकर पढ़िए, बैरिस्टर बनिए, जिससे जिससे बा और बापू को गर्व हो, हमें गर्व हो। मैं आपका इंतजार करूंगी। ओ हरी भाई, टांगे वाला गुस्से में, वो कह रहा है उसे और भी सवारी लेने जाना है। रुको, इसे जहाज में पढ़ना। चिट्ठी लिखा करना, मैं इंतजार करूं। लाऊं आपके लिए? नहीं, रहने दो, बैठो। आप हरी को लेने नहीं गए? आपने कहा था ना आप जाएंगे। वो ढूंढ रहा था। बहुत कुछ करना है और वक्त कम पड़ता है। क्या हम आपका परिवार आपको रोक रहा है?
मैं बहुत खुश हूं हरिलाल वापस आ गया। उसकी बहुत याद आ रही थी। Accounts of the Indian opinion are showing losses. You suggest that we take on no advertisements. Advertisements always compromise editorial freedom. Anyway, Hari, I'm going to Pietermaritzburg. I want you to join. No, Mr. Damji. Mr. Pollock has sent you several requests for fees which have not been paid. Now you want us to take up another matter. We should be sending you a summons for overdue payments. Ah, Mr. Damji. I will see you tomorrow. Give him an appointment. Hari, start working at the printing press. Mr. Pollock will explain everything to you. Mr. Gandhi, tomorrow is Sunday. Miss Lizzie, a man in trouble knows no Sundays. He has to be attended to. He's yet to pay for the services we've rendered so far. How must I run this place? My fees will be payable when he's able. Mr. Danji, can you please put those envelopes back where they belong? By the way, your appointment has been confirmed for Sunday, and payment of fees have been postponed indefinitely. Thank you. Hari, ये उपन्यास सरस्वती चंद्र तुम पढ़ रहे हो? प्रेम कहानियां बहुत पसंद है तुम्हें। बेटा, इस सपनों की दुनिया छोड़ो। महापुरुषों की आत्मकथाएं पढ़ो, उससे प्रेरणा लो। Excuse me. Have you lost something? Yes. Is this it? She is so beautiful. Mr. Gandhi, see this. How can you keep both of them apart? They look so lovely. Miss Lizen, can you please arrange to get Gulab Gandhi to South Africa as soon as possible? Market agent. An hour or so, we're still early. Don't you think plays must have a message for society? Can't they just be for fun? That would be a waste of time. Shakespeare has messages. Yes,
But some of his characters speak very foul language. Hey, coolie! Get off the pavement! He's a barrister! What are you doing, you idiot? But he's a coolie! Hey! I will see you punished for this, Mr. Gandhi. We are going straight to the police station. You, sir, are going to prison! Tell him to stay off the white pavement. Henry. I'm not filing any complaint. Why? Pray to the Lord that he forgives him, but he knows not what he does. Sounds familiar? Thank the Lord that I speak these words from the ground and not from the cross. Come. देखो बापू तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम सभी के वो पिता हैं, लेकिन हॉस्पिटल में दाखिला कराने के लिए हमें तुम्हारे बाप का नाम चाहिए। बापू तो नहीं लिख सकते ना, बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है, बताओ। इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, आज जश्न मनाने का मौका मिला है हमें, क्योंकि एक बार फिर बैरिस्टर गांधी को कैद कर दिया गया है। मुझे गर्व है अपने पिता पर। ये कैसा मजाक है कि ब्रिटिश राज्य के कानून का पालन करने वाला एक बैरिस्टर, जो ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी में ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो, उनसे कहा जाता है कि महाशय आप अपनी उंगलियों के निशान दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके चेहरे का, उनके शरीर का रंग ये नहीं है। अगर आप इस रंग के हो या इस रंग के हो या फिर इन दोनों के बीच हो, तो आपकी गिनती इंसानों में नहीं होती, आपको एक इलाके में सीमित कर दिया जाता है। और अगर आपको इस रंग वालों के इलाकों में जाना है, तो आपको एक एंट्री पास की जरूरत पड़ेगी, और अगर यूं ही चले गए तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। मेरे पिताजी ने कहा कि ना तो मैं कोई पास रखूंगा और ना ही कोई उंगलियों के निशान दूंगा। आपको जो करना है कीजिए, चाहे इस रंग को खून से तर बतर कर दें या फिर मेरी अर्थी उठा दें। गोरी सरकार को यह चुनौती है। हरिलाल, मानव जाति पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए और त्याग और बलिदान की राह पर चलने के लिए राम, ईसा, पैगंबर मोहम्मद, बुद्ध, महावीर जैसे महात्माओं के जीवन से मुझे प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। हम गुलामी के इस पहचान पत्र को अब नहीं ढोएंगे, हम सामूहिक तौर पर इस रजिस्ट्रेशन परमिट को जलाएंगे। इस रंगभेद नीति वाली सरकार को हम चुनौती देते हैं, वो चाहे तो हमारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दे। फेरी वालों के खिलाफ ये नया कानून भारतीयों को कुचलने के लिए है, उनकी रोजी रोटी छीनने के लिए है। हमें इसका विरोध करना होगा। हरी, मैं चाहता हूँ इस कानून को तोड़ने वाले तुम मेरे पहले सत्याग्रही बनो, ताकि और लोग तुम्हारी राह पर चल सके। The defense may proceed. Your Honor, we have no defense. In fact, our entire agitation is a response to our opponent's offense and the levels they will stoop to unleash violence. The beauty of it is we will not retaliate, but we will not accept. What? Actually, I learned this from my wife. She is the most stubborn opponent I have ever encountered. Despite all that I tell her, she does exactly the contrary without retaliation. Mr. Gandhi, could we be a little more specific? The accused will not defend, and he promises to break the law again as soon as he is released. My suggestion would be to give him the maximum sentence possible. This will save the valuable time of the court
and we could proceed with other matters. Are you changing the rules of justice, or do I detect a clever ploy? I speak the truth. The discretion is all yours. I find the accused guilty, and I fine him. I refuse to pay the fine. I sentence Mr. Harilal Mohandas Gandhi and other accused listed here to stay in prison for a period of 60 days for the first offense, a period of 60 days for the second offense. Mr. Gandhi, I understand your enthusiastic training of your son, but he is getting no education. Prison is a temple of learning. I've learned more about life in a prison than anywhere else. I suggest you two should serve a prison sentence. I'm serious. He wants formal education. He wants to be with his family. He wants to be a barrister like you. He's been speaking to my wife. Every new challenge asks for a new response. My children are not merely my children. They're soldiers fighting for a new world order. Western education may not be enough. It might, in fact, colonize the mind. I may be speaking out of turn, but you're moving too fast. He needs your attention. I'm trying. इस बार बहुत देर लगा दी आपने। आपकी बेटी रामी कहीं आपका चेहरा ना भूल जाए। दिन रात में तुम्हारे और रामी के बारे में ही सोचता रहता हूं। छोटा गांधी बनकर जो आपने रास्ता चुना है, जो उद्देश्य है आपके, वो परिवार से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। अगर बापू ने चाहा तो मैं बहुत जल्द इंग्लैंड जाऊंगा बैरिस्टर बनने, और एक दिन हमारी कंपनी का नाम होगा गांधी और गांधी अटर्नीज एट लॉ। लेकिन कभी कभार मैं सोचता हूं कि छोड़ दूं मैं ये सब और बस रह जाऊं अपने परिवार के पास। हम आपके रास्ते में नहीं आना चाहते। बात क्या है? हम हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं। हम एक परिवार का साथ मिल गया है। मैं जानती हूं आप जल्द ही छूटने वाले हैं, लेकिन जहाज तो इंतजार नहीं कर सकता। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर हिंदुस्तान जा रही है और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। फैसला कौन करता है? हालात। बापू, आपकी जरूरत है यहां जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, बापू का साथ देने के लिए। और अगर बहुत याद आई तो आ जाइएगा हमसे मिलने जहाज में बैठकर।
Your tights, farewell. चोट गहरी नहीं है, अभी ठीक हो जाओ। पापा, मैंने सुना कि आपके दोस्त प्राणजीवन भाई स्कॉलरशिप दे रहे हैं इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। हाँ, प्राणजीवन भाई बड़े नेक इंसान, हमेशा साथ दिया है उन्होंने हमारा। आंदोलन को जब भी पैसों की जरूरत पड़ी उन्होंने कभी ना नहीं कहा। उनका सहारा ना होता तो पता नहीं हम लोग क्या करते। पर बापू, स्कॉलरशिप वही तो उलझन थी। क्यों? स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने ये शर्त रखी कि स्कॉलरशिप सिर्फ गांधी के बच्चे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपनी बात पर अड़े रहे और मैं उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता रहा। क्या? मैंने उनसे कहा, प्राणजीवन भाई आपकी इज्जत का मतलब यह है कि आज तक मैंने समाज के लिए जो कुछ भी किया है आप उसके बदले में मुझे इनाम दे रहे हैं, ये मुझे मंजूर नहीं। अंत में मैंने उन्हें समझा दिया कि स्कॉलरशिप बस्ती में से किसी के लिए भी हो सकती है। हाँ, उसका सही दावेदार कौन है उसका फैसला मैं करूंगा। कौन है दावेदार? छगनलाल, हमारा भतीजा। मेरे ख्याल से वो सबसे सही लड़का है। फिनिक्स बस्ती की शुरुआत उसने मेरे साथ की। मैं ठीक हूं। केस डिटेल क्या लिखा? शराबी, हतिंची, भिखारी। शराबी, भिखारी, लावारिस। शराबी, भिखारी, लावारिस। कस्तूर? यहाँ एक जरूरी खबर। क्या? नहीं, तुम यहाँ वहीं से बताइए ना। ठीक है, मैं बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी सबको साक्षी रखते हुए यह ऐलान करता हूं कि आज से आप मेरी रखेल हैं। क्या? आज से तुम मेरी रखेल हो। अब सटिया तो नहीं गए? अपनी बीवी से इस तरह बात कर रहे हैं, वो भी बच्चों के सामने। हे भगवान, आपको शर्म नहीं आती? जनरल स्मर्ट्स और उसकी गोरी सरकार को शर्म नहीं आती। उनका कहना है कि जो शादियां ईसाई तरीके से रजिस्टर नहीं हुई है वो सभी गैर कानूनी है। चलो अच्छा है, कम से कम इस बहाने मुझे रखेल तो मिली। ये निठल्ला स्मर्ट्स अपने लोगों के लिए कुछ करता कराता तो है नहीं, बस अपने बड़े से दफ्तर में बैठकर बेवकूफी भरे कानून बनाता रहता है। कभी गोरा कानून, कभी काला कानून, कानून पे कानून और सारे बकवास। देखो भाई, मर्द तो आजाद हो गए, अब औरतें क्या करेंगी? औरतें कर भी क्या सकती हैं? जो मर्द करते हैं वो औरतें करें, लड़े, जेल में जाएं। औरतें जेल में कैसी दिखेंगी? जैसे मर्द दिखते हैं वैसी दिखेंगी। मेरी बीवी बनकर रहना है तो ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। वहां का खाना खाकर मैं मर जाऊंगी। चिंता मत करो, तुम्हारे भव्य अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तुम्हें देवी घोषित कर दूंगा, देवी, जगदम्बा देवी।
तो ये है आपकी चाल। ठीक है, आपके लिए जेल भी चली जाऊंगी। हरी, कुछ दिनों से मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता था। जी बापू। हरी, अब तुम्हारे लिए आंदोलन की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है बेटा, क्योंकि सौरभ जी इंग्लैंड जा रहा है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? छगनलाल ने मुझे बहुत निराश किया है। उसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की नहीं, आधे में इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान चला गया, मुझे बताया तक नहीं। और प्राणजीवन भाई मुझ पर जोर डाल रहे हैं बेटा कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अब मैं सौरभ जी को इंग्लैंड भेज रहा हूं। सौरभ जी अदाचानिया अव्वल दर्जे का सत्याग्रही है कस्तूर। उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारे संघर्ष के लिए। और हरिलाल तो अपनी फाइनल मैट्रिक की एग्जाम भी पास नहीं कर पाया। कैसे कर पाता? उसने हिंदुस्तान में पढ़ना शुरू ही किया था, आप हमें यहाँ ले आए। जब यहाँ बसने लगे तो दोबारा हिंदुस्तान ले गए, फिर साउथ अफ्रीका, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। हर बार आपका काम, आपके सिद्धांत, बच्चों का कुछ भी नहीं। बैरिस्ट्री से बढ़कर भी और बहुत कुछ है जो वो हासिल कर सकता है। और कसूर, एक बात समझ लो, जो लोग समाज की सेवा करते हैं वो समाज को कुछ देते हैं, उसे लेते नहीं। प्राणजीवन भाई ने ये स्कॉलरशिप आपके परिवार को दे दी, आपके लिए दी थी। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सबका है। मेरे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक है। ठीक है, आप अपना पराया ना रखें, पर अपने बच्चों को तो अलग ना करें। आप जानते थे छगनलाल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी आपने उसे भेजा। हरी बिनती करता रहा, बापू मुझे इंग्लैंड जाने दीजिए, मुझे इंग्लैंड भेज दीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार गांधी बनकर नहीं बल्कि एक बाप बनकर अपने बेटे की आवाज सुने। इस बस्ती का हर एक बच्चा हमारा अपना बच्चा है कस्तूर, हमारा अपना बच्चा। हमेशा याद रखना ये बात। वैष्णव जन तो तेरे businessman, Mr. Pranameta. You want free passage to India? I have lost all my money in business here. I would be very grateful if you could help. I'm also willing to sign an undertaking to pay the fare in India. Can you tell me your name again? Mehta. First name? Pranlal. You have Gandhi in your bag. Passive resistor, a troublemaker. There's a few of your troublemaker friends outside waiting to take you back to Johannesburg. So I'm not here. Look, let me get it correct. Your name is Harilal Madas Gandhi, son of Barrister M.K. Gandhi. So there must be some mistake. I am not Harilal Gandhi. I am Pranlal Mehta. You must understand. Go back home. Your father is waiting for you.
कुछ कहना चाहोगे तुम? तुम्हारे विचार सुने ही पड़ रहे हैं मुझे, बोलो। बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हूं। एक बेटे को अपने बाप से बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। बहुत देर लगा दी बाबू आपने मेरी आवाज सुनने में। मानता हूं, मुझसे भूल हुई। दुनिया के लिए आप गांधी और मैं आपका बेटा छोटा गांधी, लेकिन मैंने कभी बाप का प्यार नहीं देखा। ये बात तो गलत है हरी। मैंने जीवन में कड़ी मेहनत और कड़े शब्द के अलावा पाया ही क्या है बापू, और प्यार वो तो मेरी झोली में कभी आया ही नहीं, ना तो मेरे पास शिक्षा है, ना परिवार, ना भविष्य। दुनिया बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। मेरा नहीं बाबू, आपका। तुम घर लौट आए, यही क्या काम है? मैं लाया गया। तुम आजाद हो हरी। ये कैसी आजादी है बाबू, जिसकी परिभाषा भी आप ही तय करें और सीमाएं भी आप ही बनाएं। मेरी आजादी आपके आदर्शों पर चलने तक सीमित है, मेरे विचार आपके आदर्शों के गुलाम बनने को मजबूर। बापू, मैं पढ़ना चाहता था, बैरिस्टर बनना चाहता था, छोटा गांधी बनना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरे पंख ही काट दिए और आप चाहते हैं कि मैं उड़ूं। बापू, आपके आदर्शों का बोझ ढोते ढोते मेरा दम घुटने लगा है, मैं सांस लेना चाहता हूं। यहां तो युद्ध छिड़ा हुआ है बेटा, युद्ध अपने अधिकारों को पाने का, अन्याय को मिटाकर न्याय पाने का। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं, लेकिन अब मैं इसमें शामिल नहीं। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा, अपने आप को ढूंढूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूं। मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या करना चाहते हो? अपने बीवी बच्चों के पास लौटना चाहता हूं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। जानता हूं। आगे पढ़ना चाहता हूं, अपनी रोजी रोटी खुद कमाना चाहता हूं। और कहीं नाकामयाब हो गए तो? कोशिश करने में क्या हर्ज है बाबू? बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम यही मेरे पास रह जाओ? एक एहसान करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बापू से गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना। नारदाद्याऋषिगणाः ये चानीतबोधनाः भवन्द्वे जमानस्य आशीर्वादः परायणाः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय।
हरी भाई, ओ हरी भाई। बोलो जीवन। गुलाब बहन, हमारे मोहल्ले में इंसान कम और भैंसे ज्यादा रहती हैं, और इन्हें कोई लाज शर्म तो होती नहीं है। जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं पे अपना काम कर देती है। अरे इनको देखते ही अंग्रेज भी जहाँ जगह मिले वहाँ घुस जाते हैं। एक बात तो है, अगर अहमदाबाद की सारी भैंसे इकट्ठा हो जाए तो कम से कम अहमदाबाद से तो सारे अंग्रेज भाग जाएंगे। जीवन अंदर आ जाओ, आ जाओ। हरी भाई कहाँ है? मैं तो क्लास में उनका इंतजार कर रहा था। ओ रामी, हरी भाई आपके सारे मार्क्स मेरे पास हैं। इंग्लिश फ्रेंच टू गुड, लेकिन विज्ञान अंक गणित। जीवन तुम घर जाओ। जब भी फेल होता हूं गुलाब, बापू की जीत होती है। Find it very difficult to speak about a man with whom I have often crossed swords on practically everything. He has been the greatest source of trouble for my government, and I am delighted he is leaving. Contrary to popular assumption, let me remind you that he is not a saint who has strayed into politics. He is a politician trying to become a saint. People often ask me, what is Gandhi? To me, this is Gandhi. While my government was inflicting hardships upon him in prison, he was making these sandals for me with his own hands and presented them to me when released. A Gandhi that fights what he believes is injustice, but loves the human being, whatever that means. I wish him well for the future. With a sigh of relief for myself and a silent prayer for the British government in India. Thank you. आलीशान डिब्बा है, इतने आराम में सफर, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। अब आप में जो नए परिवर्तन आए हैं, आपके हिंदुस्तानी दोस्तों को उनकी जानकारी नहीं है ना? अगली बार हम उन्हें सूचना दे देंगे, सिर्फ थर्ड क्लास में सफर। हाँ? नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, मोहनदास करमचंद का। आप बैरिस्टर गांधी साउथ अफ्रीका वाले जी? अरे सर, क्या किस्मत है मेरी, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया सर। मोहनदास करमचंद गांधी ओके, कस्तूरबा एम गांधी ओके। आप कौन है जी? ये मेरा बेटा है। पर सर, इनका नाम तो लिस्ट में नहीं है, कहीं गलती हो गई है, आप फाइन ले लीजिए। अरे सर, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, यूं भी तो डिब्बा खाली पड़ा है, और कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ सर।
देखिए आप जनता के सेवक हैं और आपका ये फर्ज बनता है कि मेरे लिए या और किसी के लिए ऐसा ना करें, ये मुझे कबूल है। ठीक है सर, मैं दूसरे यात्रियों की टिकट चेक करके आता हूँ, फिर आपसे फाइन ले लूँगा। बापू, ये लोगों की चिट्ठियाँ, नामों के लिस्ट और उनके पते, मैंने इनको जवाब भेज दिए और ये अगले दो हफ्तों के आखिर पर। गुलाब को कैसा लग रहा है अहमदाबाद? बहुत अच्छा। रामी और कांति को देखने का बड़ा जी कर रहा है। हाँ, और वो शैतान रसिक, उसकी सारी खबर रहती है मेरे पास। और वो नन्हा शांति बोलने लगा है या नहीं? अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। बेटा तुम आए, हमारे साथ रहे, सारा इंतजाम तुमने किया। हरी नहीं होता तुम क्या करते? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बापू, पिछले कुछ महीनों से मुझे पैसों की बहुत तंगी है। लेकिन मैं तो तुम्हें हर महीने भेजता हूँ। हाँ बापू, लेकिन उसमें पूरा नहीं पड़ता। तो फिर मैट्रिक करने का मुंह क्यों रखते हो? तीन बार वैसे भी फेल हो चुके हो, डिग्री और सर्टिफिकेट लेकर क्या करो? बापू, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, अगर आप उसमें कुछ पैसे लगा सके तो। मेरे पास मेरा अपना तो कोई पैसा है नहीं, साउथ अफ्रीका में जो भी कमाया वहीं पर दान कर दिया, और उधार तो मैं जिंदगी में कभी लूंगा नहीं। लेकिन राजकोट में जो गांधी परिवार का घर है, अगर हम उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे उठाए तो? हरी, मेरे भाइयों के साथ मेरा सारा हिसाब किताब हो चुका है, मेरी बैरिस्टी का खर्च, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, तुम्हारी शादी का खर्च और दूसरे खर्चों को मिलाकर मैंने देखा तो मेरा कोई हक ही नहीं बचता, इसलिए मैंने मेरा सारा सब कुछ अपने भाइयों के नाम कर लिया है। आपने कम से कम हमसे पूछा तो होता। किस लिए? वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा, अपने पैरों पे खड़े रहो, कहीं नौकरी करो। सीधे मुद्दे पे आ जाओ ना, बता दो इसे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये भी बता दो कि मैं बेरोजगार हूं, ये बताओ उसे, बताओ, क्योंकि आज मैं ये किस्सा खत्म करना चाहता हूं, बता दो इसे। चुप हो जाइए, बस कीजिए, सारा मोहल्ला सुन रहा है। आज तो सारी दुनिया सुनेगी। कल्लू भाई, कल्लू भाई, गिरीश भाई, उषा बहन और उषा बहन,
सुनो मेरी बात सुनो, मैं गांधी जी का नालायक बेटा हूँ। क्या? मैं गांधी जी का नालायक बेटा हूँ। ये घर है ना मेरा, ये किराए का घर मुझे अपने बाप की वजह से मिला है। मैं अपने बाप के पैसे से परीक्षा में फेल होता हूँ, और जब भी मैं इस गली से गुजरता हूँ ना, तो आप सबके चेहरे पर एक ही सवाल होता है कि कहाँ महात्मा गांधी और कहाँ ये उसका बेटा। ये गांधी मोहर मेरे माथे पे छाप दी गई है भाई, अब कोई मुझे इसे भूलने नहीं देगा। वो दुनिया के सबसे महान पिता है, लेकिन आप उनके बेटे होने का बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शिक्षा के बगैर मुझे नौकरी कौन देगा, और नौकरी के बगैर मेरी औकात ही क्या है। हर सुबह मैं दर्द की आंख से अपनी आंखें खोलता हूं, और गुस्से की भड़ास में हर रात मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं जानता हूं बापू कि मैं आपका आदर्श बेटा ना बन पाया, लेकिन मैं जैसा भी हूं उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। बापू मैं हमेशा से तो ऐसा नहीं था। मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से आपको चोट पहुंची हो। इन्हें लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं। काश मेरे पास कोई और रास्ता होता। आपका और सिर्फ आपका हरीला। बहादुर है मेरा बेटा, हालांकि उसका गुस्सा गलत है, लेकिन ये क्या कम है कि वो अपने उसूलों के लिए लड़ने को तैयार है। मेरे खिलाफ ही सही, अब से हमें इस नए हरिलाल के साथ जीने की आदत डालनी होगी। बा वो हर धागा जो हम कांत रहे हैं, भारत का भविष्य बन रहा है। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो मेरी ये प्रार्थना सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप इस चरखे को थाम लें अभी इसी वक्त, या फिर नष्ट हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। ये घूमता हुआ चरखा प्रतीक है हमारी आत्मनिर्भरता का, और लाखों गरीब हिंदुस्तानियों के लिए रोजी रोटी का आसान सा साधन भी। हर हिंदुस्तानी को विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की कसम खानी चाहिए, क्योंकि ये विदेशी कपड़ा लाखों हिंदुस्तानी कपड़े बुनने वालों के खून से भीगा हुआ है। सामूहिक तौर पर विदेशी कपड़ा चलाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रथमे ফুল নিয়ে মায়ের কাছে চড়াতে হবে, তারপরে ফুলের মালা নিতে হবে, নিয়ে মায়ের গলায় পরাতে হবে, মিষ্টি নিয়ে মাকে খাওয়াতে হবে। গোলাপ জি, মেনে ফ্যাক্টরি কে আপনে কুছ দোস্তো কো খানে পর বুলায়া হ্যায়, ও ইয়াহ পূজা কে লিয়ে আনে ওয়ালে। কিতনে? তিন। আরে বিবিও কে সাথ ছে। ঠিক হ্যায়। আপনি বাংলা বলতে পারেন? একটু একটু।
मनु, ओ मेरी मनु, बच्चे देख सब तेरे नए कपड़े। शांति ये तेरे लिए, रासिक, कांति, अरे रामी सुन ये तेरे लिए और ये मनु को देना। हाँ गुलाब एक खुशखबरी है। क्या? पहले एक कप चाय तो पिलाइए। हाँ रामी अभी पूजा के लिए सबको तैयार करो जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी चल। खुशखबरी गुलाब, सेठ नरोत्तम दास जी फैक्ट्री में मेरे काम से इतने खुश है, उन्होंने मुझे पैसे संभालने का काम सौंप दिया है, कैशियर बना दिया है मुझे। बापू ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे, नरोत्तम दास जी उन्हें जरूर बताएंगे। मुझे लगता है रामी के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसकी शादी करनी है, अभी से पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां तो देखते ही देखते बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और तुम कांति की पढ़ाई के लिए भी पैसा जमा करना शुरू कर दो। मैं चाहता हूँ कि वो इंग्लैंड जाकर पढ़े, जो पढ़ना चाहे पढ़े, उसकी मर्जी। आहा यहाँ रखो। यहाँ धन्यवाद। ये सब क्या है? विदेशी कीमती कपड़ा, इंग्लैंड में बना विदेशी सामान। अब बापू को इतने पैसे कहां से आए आपके पास? उधार, लोगों ने पैसे लगाए हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? इस व्यापार में कुछ भी गलत नहीं है गुलाब। लोग अपने पैसे ब्याज के साथ वापस जाते हैं और मैं उन्हें अच्छी रकम लौटाऊंगा। मैंने किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी की है। कहीं कुछ गलत हो गया तो? मैं गलती कैसे कर सकता हूँ गुलाब? ये कपड़ा तो देखो, क्वालिटी देखो। विश्व युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, बाजार में इस कपड़े की कमी होती जा रही है। एक बार सही खरीदारों को पता चल जाए कि यहाँ कपड़ा मिल रहा है तो बस लोगों की भीड़ लग जाएगी। अरे मैं कहता हूँ अलमारी खाली कर लो, पैसे रखने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मुझ पर भरोसा करो गुलाब, मुझे ये एक मौका मिला है अपने पैरों पर खड़ा होने का। मैं किसी तरह की बेईमानी नहीं करूंगा, आखिर मैं गांधी का बेटा हूं। गुलाब मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, तुम तो मेरे साथ रहो। पूजा के लिए तैयार हो जाइए। माफ करना देर हो गई। 3 मिनट कोई देर नहीं, 1 सेकंड भी बहुत देर है। आई कैसे चल रहा है आपका चरखा? जब गांधी जी ने आदेश दिया है तो फिर चारा ही क्या है। मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन कुछ जम नहीं रहा है। आश्रम में आकर बस जाइए। नहीं धन्यवाद, आश्रम में वैसे तो सब ठीक है लेकिन आपका ब्रह्मचर्य, संभोग से दूर रहने का वचन, वो मेरे लिए जरा मुश्किल है। माफी चाहता हूं, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत कैसी? आपने तो मुझ पर एहसान किया, हरिलाल को नौकरी दी, उसका ख्याल रखा, उस पर भरोसा किया, और हरिलाल ने आपको धोखा दिया 30,000 रुपये का गबन करके। अब उस पर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं, उसे नौकरी से निकाल दीजिए। गांधी जी मेरा इरादा, उस पर धोखाधड़ी का, गबन का केस फाइल कीजिए। मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है, वरना ये केस मैं लड़ता आपके लिए। वो अभी जवान है, भूल हो जाती है तो? लेकिन वो आपका बेटा है। कब तक, आखिर कब तक हम अपने बच्चों के अपराधों का बचाव करते रहेंगे? आखिर हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं नरोत्तम दास जी?
देखिए, आप अगर मेरी इज्जत करते हैं, हमारे संबंधों का लिहाज करते हैं, तो केस फाइल कीजिए। कोर्ट अपना फैसला सुनाए, और अगर हरिलाल सजा कबूल करता है तो उसी में उसकी शान है और मेरी इज्जत भी। आइए चलिए, आज मुझसे सीख कर ही जाइए। हरिलाल, वो घर पे नहीं है। तीन दिनों से तुम यही झूठ दोहरा रही हो। मैं उसे ढूंढते ढूंढते पोरबंदर से कलकत्ता आया हूँ। वो अभी तक लौटे नहीं है। देखो, मैं एक गरीब आदमी हूँ। गांधी के नाम पर विश्वास कर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी थी, लेकिन तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आती। तुम लोग गांधी चला गया है। हाथ मत लगाइए मुझे, आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मैंने हर बात में, हर मोड़ पर आपका साथ दिया, लेकिन अब बहुत हो गया। गबन, धोखाधड़ी, शराब, और अब क्या क्या देखना बाकी है। गुलाब, मैं क्या करता, महायुद्ध अचानक बंद हो गया, मुझे अपनी रकम का 10% भी नहीं मिला। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, नहीं सुना। मैं अपने बच्चों को यहां रहने नहीं दूंगी। मैं उन्हें लेकर अपने मायके जा रही हूँ। गुलाब, मुझे एक मौका और दो। गुलाब, क्या फैसला किया है तुमने? मैं कल राजकोट चली जाऊंगी। अपने मायके वापस जा रही हूं। पर बच्चे, वो तो यहां रह सकते हैं हमारे पास। वो मेरे साथ जाएंगे। चाय उबल रही है। मुझे और भी काम है, चिट्ठियां पहुंचानी है, ये अर्जेंट टेलीग्राम है। हाँ तो तुम ही पढ़ो और वही छोड़ दो। तुम्हारा बेटा शांति गुजर गया है। स्टॉप।
तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार है, स्टाफ जल्दी आओ, स्टाफ। चलो मेरे साथ, पिछला सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है बेटा। आश्रम में मैं हूं, बा है, बच्चे हैं, हम सब साथ में रहेंगे। चलो बापू, आ गए आपके राजकुमार। क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ रसिक, क्या हो? आओ बेटे, अब देखो तुम्हें कविता सुनानी है प्रार्थना सभा में। रसिकलाल हरिलाल, रसिकलाल हरिलाल, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उसकी थी एक बकरी, उसकी थी एक बकरी, बकरी धुई गई नहीं, बकरी धुई गई नहीं, रसिकलाल गांधी से, रसिकलाल गांधी से, रुलाई रोकी गई नहीं, रुलाई रोकी गई नहीं। शाबाश। सत्यपाल जी नमस्कार। नमस्कार हरि भाई, सब ठीक? एकदम ठीक है, कमाल है, आपको संदेशा भेजा और आप पहुंच भी गए। सत्यपाल जी, कोई भी गोदरेज का ग्राहक माल न होने की वजह से वापस जाए ये हमको बिल्कुल नहीं चलेगा। बस बस हरि भाई, इतना काफी है। आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं सत्यपाल जी? हाँ, आप जो हमारे इतने खास हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने कंपनी से बात कर रखी है, वो आपकी उधारी की मोहलत बढ़ा देंगे और साथ में कीमत पर अच्छी छूट भी देंगे। सत्यपाल जी, पिछले महीने का हिसाब अगले हफ्ते। पक्का? पक्का, चलता, शुक्रिया।
महादेव भाई नमस्ते। नमस्ते बापू, आप यहाँ? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, पर तुम नहीं आए तो मैं चला आया। वह कैसी है? वैसी ही है। और बच्चे? अच्छे, तुम्हें बहुत याद करते। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे मैं उन्हें यहाँ बुला लूँगा। बात से कहूँगा वो भी आए मेरे साथ रहने। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं भी एक बार और आ जाऊँगा उनके साथ। ये हमारी साउथ अफ्रीका की तस्वीर है। और हरी, कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं तुम्हारे पास बेटा। से जितना हुआ मैंने अपने आप पढ़ने की कोशिश की है बाबू। महादेव, याद है मैंने तुम्हें बताया था मेरा हरिलाल साउथ अफ्रीका का वो पहला सत्याग्रही था जिसने अनशन को हथियार बनाया हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए। तुम तो मेरे बहादुर सिपाही थे। बीती बातें हैं बाबू, बहुत वक्त गुजर गया। महादेव। बापू ये कलकत्ता है, ये लोग मानने वाले नहीं, आपको बोलना तो पड़ेगा। अब देखिए मैं मेरे बेटे का मेहमान हूँ, आज उसके वहां रात गुजारने आया हूँ, तो मेहरबानी करके उसके साथ शांति से थोड़ा वक्त गुजारने देंगे आप? इतिहास तुम्हें फिर से पुकार रहा है हरी, आ जाओ जुड़ जाओ हमारे आंदोलन में। और जुड़कर करूं क्या? लड़ो अपने देश के लिए। मेरे साथ तो लड़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, पर देश के लिए लड़ने का ये शायद आखिरी मौका है। कह दो अंग्रेज सरकार से कि हमें फांसी के तख्ते पर लटका दो या हमें जेल में ठूस दो, लेकिन हमारी ओर से आपको असहयोग ही मिलेगा और कुछ नहीं। ये ब्रिटिश साम्राज्य शैतानों का राज है, और जो ईश्वर से प्रेम करते हैं वो शैतानों का साथ कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं। Excuse me, Harry Bhai. Some more guests would like to meet you. There are some people who would like to meet you. हम बड़े भाग्यवान हैं कि आप हमारे साथ हैं। हम सोच रहे थे गांधी के अलावा और कौन? ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ हैं। मैं आपका आभारी हूँ, मेरे पास कोई दूसरा घर भी नहीं था रहने के लिए। अजी वो सब छोड़िए, आपके घर का बकाया किराया
हमने मकान मालिक को दे दिया है। अब आप अपने घर में चैन की नींद सोइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, मैं एक सलाह देना चाहूँगा। ज़रा अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अब जितना ज़रूरी आज़ादी का आंदोलन है, उतनी ज़रूरी है बच्चों की जिम्मेदारी। जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं या तो जेल में होता हूँ या फिर सड़कों पर सत्याग्रह करता हूँ। बिल्कुल सच है, तभी तो हमारी ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये मीटिंग बुलवाई है। आपकी मदद के लिए हमने समाज के कुछ सम्मानीय लोगों की एक संस्था बनाई है। हम आपके नाम से एक कंपनी चलाएंगे, एक फैक्ट्री बनाएंगे, उसके शेयर्स निकालेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, यानी आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे। लेकिन मेरे नाम से शेयर्स कौन खरीदेगा? ना ही मेरे परिवार में कोई व्यापार करता है और ना ही मैं किसी उद्योगपति का बेटा हूँ। गांधी से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। आप मेरे पिता का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अजय, इनकी बात छोड़िए, ये तो आपको ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। हम तो केवल आपका नाम इस्तेमाल करेंगे, हरिलाल मोहनदास गांधी। देखिए, आप लोग बात को उलझा रहे हैं। हरि भाई, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सीधी और सरल बात है। आप लोग जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं, लेकिन दुनियादारी बड़ी टेढ़ी चीज़ है। इस समय बिल्कुल सही मौका है। लोग आपको गांधी कहकर पुकारते हैं, बस इसी नाम को मुनवाइए। अब आपको आपके पिता के आगे हाथ पसारने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने ये सब कभी किया नहीं है, पता नहीं। अजय, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब भी आपको लगे कुछ गलत हो रहा है, आप सब छोड़ दीजिए। नहीं शुक्रिया, मैंने ये सब छोड़ दिया है। हरि भाई, आपको ये जीवन मिला है पूरी तरह जीने के लिए। मैं जानता हूँ समाज में आपका नाम है, लेकिन यहाँ कौन देख रहा है? आश कीजिए, ले लीजिए, हमारी इज्जत रह जाएगी। इसके किसी रिश्तेदार का कुछ पता चला? नहीं। बापू, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी हरि भाई के कंपनी में लगा दी। अब ना है वो कंपनी, ना है हरि भाई, सब लापता हो गया है। उन्होंने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। बापू, उस वक्त मेरे लिए आप ही आप थे, अब मैं बर्बाद हो गया हूं। कहां जाऊं मैं, क्या करूं बापू? हरिलाल मेरा सबसे बड़ा बेटा है, पर हमारी सोच बहुत अलग है। उसे मेरे आदर्शों पर भरोसा नहीं, और इसे वो खुलेआम जाहिर भी करता है। अगर वो अपने विचार बदल दे तो मैं उसे खुली बाहों से अपनाने के लिए तैयार हूँ। खैर, हर रिश्ते की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। अगर हरिलाल में थोड़ी भी शराफत बची है तो वो अपने उधार चुका देगा। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े नाम देखकर पैसों का लेन देन करते हैं। जरूरी तो नहीं कि अच्छे लोगों के बच्चे भी अच्छे ही हों। अगली बार जब आप उससे किसी भी तरह का लेन देन करें तो मेहरबानी करके ध्यान रखें कि मेरा उससे किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी। और छुआछूत को मिटाने के लिए
आप सब दिल खोलकर दान करें। अब कन्हैयालाल दीक्षित की कुछ पंक्तियां मेरे साथ दोहराएंगे। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा हो, यही मजहब बने बस, हम सभी का एक, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आखिरी दम तक किसी भंगी चमार को अपने मंदिरों में कदम नहीं रखने देंगे। याद रखो, ये भंगी चमारों का कूड़ा अपने आश्रम में रखो। गांधी, हिंदू समाज ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गांधी जी, धिक्कार सो, गांधी जी, धिक्कार सो, गांधी जी, निषेध सो, गांधी जी, धिक्कार सो, गांधी जी, निषेध सो, गांधी जी, धिक्कार सो। महात्मा गांधी, गांधी जी, छुआछूत के मुद्दे पर अपनी साफ साफ राय प्रकट कीजिए। छुआछूत मानव समाज पर एक कलंक है, और जब तक ये हिंदू समाज में मौजूद है, हम सभ्य दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। अछूतों को लेकर आप जो देश भर में दान मांग रहे हैं, उसका लोगों में कितना उत्साह रहा है। देखिए, मैं एक कटोरा लेकर सारे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि शहर में रहने वालों का दिल छोटा हो गया है। समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए उनके पास पैसा मांगो तो नए नए बहाने सुनाएगा। और दूसरी ओर है हमारे गाँव वासी, बहुत कम होते हुए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुझे यकीन हो गया है कि हिंदुस्तान का दिल उसके गाँवों में धड़कता है। खिला रही हूं ना, तू कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो बच्चा ही रहेगा। इतने दिन तू कहां था हरी? हम लोगों ने कहां कहां नहीं ढूंढा तुझे। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, छुआछूत को जड़ से मुखाड़ना होगा, और हिंदू मुसलमान एकता की नींव पर ही आजाद हिंदुस्तान का निर्माण होगा, और इन मुद्दों पर मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, वाह, ये तो कमाल हो गए। वाह, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली, हरिलाल मिल गया। तुम्हें पता है हरी, हर स्टेशन पर बाकी आंखें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती रहती है। बेटा, पूछो उससे। बस, अब और सहन नहीं करेंगे, हमें और मत ललकारो गांधी, बहुत हो गया। हरी, मैंने एक अखबार में तुम्हारा बयान पढ़ा कि तुम ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हो। उन लोगों ने मेरा बयान गलत छाप दिया, लेकिन हाँ, ईसाइयों के भाईचारे की मैं बहुत इज्जत करता हूं। बेटा, मुझे ये भी बताया गया कि तुमने लोगों से पैसे उधार लिए हैं, ऊंचे ब्याज पर, कैसे चुकाओगे तुम? पता नहीं बाबू, पर मुझे परवाह भी नहीं। बेटा, आ जाओ हमारे साथ, हमारे पास रहो आश्रम में। ये महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा
क्या मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठा रहूँ? मैं सिर्फ तुमसे बातें करना चाहता हूँ। देखो ये धंधे का वक्त है, बात क्या करूँ? शालिनी और कितना वक्त? मेरा हो गया। जकरिया साहब ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि उनसे आपकी बात हो गई है। तौबा तौबा हरी भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत मामूली सी बात है। बहुत अच्छा हुआ जो आप यहां पर आ गए। हमने आपको सारा कर्ज अदा कर दिया है। जनाब आपकी यह हालत हमसे देखी नहीं जाती है। अब आपको दुनिया से मुंह छिपाकर दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। वाकई शर्म की बात है कि आपको यह सब बर्दाश्त करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे छोड़िए भी हरी भाई, इसे आप अपना ही घर समझिए। अब तो आप हमारे खानदान में शामिल हो गए हैं। اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله الا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار हिंदू और मुसलमान, मेरी तो आंखें, ये लोग हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। दोनों समुदायों के मुट्ठी भर कट्टरपंथी पूरी सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकते। हरिलाल ने अपनी आत्मा की बोली लगाई है और अपने शरीर को सस्ती अय्याशियों के लिए बेच दिया है। अब उसके नए दोस्तों का यह फर्ज बनता है कि उसे इस नरक से बचाएं। हरिलाल और अब्दुल्ला दोनों का अर्थ एक ही है, वह एक ही है, ईश्वर का सच्चा भक्त। और अगर हरिलाल को
इस्लाम के रास्ते पर चलकर सच्ची भक्ति मिलती है, शांति मिलती है, तो फिर वो चाहे अपना नाम हरिलाल रखे या अब्दुल्ला रखे, हमारे लिए तो उतना ही प्यारा होना चाहिए। गांधी को जानते हैं? उनको कौन नहीं जानता। तो मेरे पिता है। गांधी जी के बेटे हो तुम? नहीं, वो मेरे पिता है। अच्छा, और लंबी कहानी है, लेकिन मैंने अभी अभी मीटिंग में ऐलान किया है कि उन्हें और बा को, दोनों को अपना धर्म बदल लेना चाहिए। आप भी मेरी राह पर चलकर अपना धर्म बदल सकते हो, मैं आपकी सिफारिश करूंगा। क्योंकि तुम अपने आप को गांधी जी का बेटा बतला रहे हो, इसलिए आज की रात तुमको अच्छी जगह सुलाते हैं। अच्छी बात, चलो गाड़ी में डालो इसे। कौन सी गाड़ी? गाड़ी में क्यों, क्यों गए, कौन सी गाड़ी? मन की आंखें खो गए। अब्दुल्ला भाई, सिर्फ गांधी के नाम ने आपको बचा लिया और इसीलिए यहां बैठकर आप नाश्ता कर रहे हैं। आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, हमारी मेजबानी का गलत फायदा उठा रहे हैं आप। हद होती है हर बात की। आदाब जकरिया साहब। जब भी मैं कोई अखबार देखती हूँ, तुम्हारे बारे में सुनती हूँ, तो समझ में नहीं आता
क्या ये मेरा ही बेटा है जिसके बारे में कह रहे हैं? मेरा अपना हरी, इसे मैंने अपनी कोख में पाला है। हम कहाँ मुंह छुपाएं हरी? क्या जवाब दे तुम्हारे बच्चों? बापू फिर भी मजबूत हैं, सुन लेते हैं, सह लेते हैं, पर मैं क्या करूं बेटा? माँ हूं ना, तुम्हें ठुकरा नहीं सकती, और ना अपना कहकर पुकार सकती। हरिलाल, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर हमें क्यों ये शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है? क्यों गाली दे रहे हो हम हमारे धर्म को? ठीक है, तुम्हें अधिकार है, चाहे जो कहो, चाहे जो करो, चाहे जैसे रहो, एक माँ होने के नाते मैं सिर्फ दया की भीख मांग सकती हूँ हरिलाल। हमें माफ कर दो, इस बुढ़ापे में ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत थक गई हूँ हरी, बहुत थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, हार गई हूँ बेटा। दयानंद सरस्वती के उपदेशों से और आर्य समाज के प्रयास से मैं एक बार फिर हिंदू धर्म में लौट रहा हूं। दवाइयों के लिए पैसे दिए थे और तुम देखो, मुझे यहां तुम्हारी देखभाल करने के लिए रखा गया है। शराब मेरी दवा है और मेरा दर्द भी है। मैं अपना भविष्य बार बार बदलने की कोशिश करता हूं, कपड़े भी बदलता हूं, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मेरा इतिहास बड़ा लंबा है और भूगोल गोल है। सुनो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा।
तक चलोगे मेरे साथ? मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैं तेरे लिए क्या लाया हूं बा? हरिलाल, मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरी बा के लिए है। ये सब महात्मा गांधी जिंदाबाद, आपकी ये जय जयकार सिर्फ मेरी बा की वजह से है। जानता हूं, हमारे साथ आओगे बेटा? नहीं, मैं सिर्फ अपनी बा से मिलने आया हूं। कहाँ से लाया तू? बा, मैंने उससे कहा कि ये मेरी बा के लिए है, तो उसने दे दिया। उसने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तू ये नहीं खाएगी तो मुझे वापस दे दो बा। नहीं नहीं बेटा, मैं ही खाऊंगी। तू ही खाना बा। हाँ, तेरे लिए लाया। आप इसे अपने दिलों में बसाइए और हर पल अपने जीवन में उतारिए। मंत्र है, करो या मरो। हम भारत को आजाद करेंगे या फिर उसी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। आज इसी पल से आप सभी, चाहे आप पुरुष हैं या महिला, अपने आप को आजाद मानकर चले। ऐसे जिए कि मानो आप आजाद हैं, किसी भी विदेशी हुकूमत के गुलाम नहीं। ये एक खुला विद्रोह है, बगावत है। भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो या फिर अराजकता फैल जाने दो, पर भारत छोड़ दो। करो या मरो, करेंगे या मरेंगे। Independence was the subject of post-war talks. Britain must hold India at all costs. Nationwide demonstrations lead to violent consequences. Prominent leaders of the freedom movement are arrested. Mahatma Gandhi was put under house arrest in a palatial mansion in Pune called the Aga Khan Palace. हमारा देश कितना बड़ा है? क्यों? आपको नहीं पता? बताइए बताइए, कितना बड़ा है हमारा देश? बहुत बड़ा। बहुत मतलब कितना बड़ा? मैंने तुम्हें वो भूगोल की क्लास में पृथ्वी का गोला दिखाया था, उसमें यूरोप भी दिखाया था। तो सारा यूरोप ले लो और आसपास के दो चार देश भी उसमें डाल दो, उतना बड़ा। और अंग्रेज कितने हैं इस भारत में? 3 लाख, शायद कुछ 10-15 हजार और। अरे तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं? इतना बड़ा देश है हमारा, वो लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रह सकते हैं यहाँ पर। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि अंग्रेज हम पर हुकूमत करना छोड़ दे। अगर वो हुकूमत करना छोड़ दे तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। ये ठीक है, तो बताइए आप उन्हें ये बात। बताऊंगा। ये आपकी लंबी लंबी सैर अब मुझसे नहीं होती। थक जाती हूँ।
आप ही जाइएगा आप कल से अकेले। अरे बेटा कहाँ था तू इतने दिन? बाप मैं आना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन ये लोग मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। कौन कौन रोकता है तुझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गरीब है? मेरे सारे बेटे यहाँ आते हैं, ये भी मेरा बेटा है। तू इधर आ बेटा। नहीं माँ मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। तू इधर आ, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू अब मेरे साथ ही रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। तू इधर आ मेरे पास आ बेटा। शराब भी कर आया है मुझसे मिलने? मैं तुझसे मिलने आया था बाप, कोई शराब नहीं पी। बाबू ये शराब भी कर आया है? शराब नहीं पी मैंने। तुझे शर्म नहीं आई? मैं तो तुमसे हाँ मैं तुमसे मिलने आया था बाप। अरे तू जा बस, तू अभी जा, इसे ले जाओ, ले जा ये जा तू। अरे तू जा अरे जा। Mr. Gandhi, the Pakistan issue is very sensitive, and we cannot allow your public statements to be issued uncensored. I believe it is my duty and my responsibility to make Mr. Jinnah and the world see the dangers of an India being divided into two parts, fighting against each other. I have to follow orders. Well, it suits your government to keep us divided on the basis of religion. Unfortunately, we are so blind, we cannot see. Mr. Gandhi, you have to understand that... Babu, Baap ko bula rahi hai. Please excuse me. Ba? हरी कहाँ है? आ जाएगा वापस। क्या होगा उसका मेरे बाद? वादा कीजिए आप मेरे हरि को संभाल लेंगे ना? वो दिल का बुरा नहीं है, बस किस्मत का मारा है। हाँ मेरी साड़ी कहाँ है? कौन सी? भूल गए ना,
वही जो आपने अपने हाथों से बुनी थी, वो लाल किनारी वाली। वादा कीजिए मेरे अंतिम यात्रा पर आप वही साड़ी पहना कर मुझे भेजेंगे। चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। Jinnah and his Muslim League, demanding partition of India along religious lines, called for direct action. The result? Unprecedented Hindu-Muslim riots. Hundreds and thousands massacred in Bengal. British administration simply collapsed. Murderers roam freely and unchecked. Louis Mountbatten, the Governor General of India, called Gandhi the one-man army of peace as he once again walks alone to stop the madness. कहाँ छुप गए भाई? बाहर आओ, बाहर आओ और मार डालो मुझको। वैसे भी मेरी कितनी जिंदगी बची, कम से कम इस वैश्यपन से तो मुक्ति मिलेगी। ये पीड़ा तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं दुनिया को? हिंदू मुझे विश्वासघाती कहते हैं और मुसलमान मेरी मौत की दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन एक बात सुन लो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो पर मैं अपने देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। आप मेरे हरिलाल को ढूंढ सकते हैं? क्यों बापू? पिछले कुछ दिनों से मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है पर मैं कोशिश करूंगा। अगर इस संकट की घड़ी में वो मेरे साथ होता तो मैं बड़े आराम से उसकी गोद में अपनी आखिरी सांस ले लेता। जानते हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार क्या है? दो इंसान, दो ऐसे इंसान जिन्हें मैं जिंदगी भर अपनी बात नहीं समझा पाया। एक मेरा काठियावाड़ी दोस्त मोहम्मद अली जीना और दूसरा मेरा अपना बेटा हरिलाल, हरिलाल कांति।
150 years of British rule enters its final hours. One of the oldest civilizations is split into two nations. Muhammad Ali Jinnah is the new Governor General of the majority Muslim Pakistan. On the eve of Indian independence, Prime Minister Jawaharlal Nehru addresses the Constituent Assembly. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. But rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. To avoid further bloodshed and violence, Gandhi reluctantly agreed to the partition of India. Alone and dejected, the man of non-violence now faces a new reality, the greatest migration in history. Hundreds and thousands killed in the sectarian violence, millions homeless. The old, the sick, the young, dying of hunger and exhaustion. Reports of unimaginable cruelty and daily massacres shocks the world community as it struggles to respond to this grave humanitarian crisis. 15th August 1947. India is a free nation. Everywhere, and I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice. Chal bhai, jaldi karo. Dukaan band karne wale hain hum. बेटा गेट बंद कर दे वो जा दे अंगी मेरे बापू नहीं रहे मैं तो अनाथ हो गया मेरे बापू चले गए नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे तुम बस चले जाओ कायरों ने बापू को गोली मार बापू चले गए मेरे बापू चले गए
राजा राम
हूँ।